नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। हमारी टीम ने कुछ बेरोजगारों से बात की, युवाओं से बात की, जानने समझने की कोशिश की आज की तारीख में क्या है युवाओं की मनोदशा, युवा क्या चाहता है। देखिए हमारी ये खास न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। आज बात करूंगा युवाओं से, जिस तरीके से ये चुनावी वर्ष का आगाज माना जा सकता है, इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। हमारे साथ ढेर सारे युवा हैं, आज इनसे बात करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से एक राहुल गांधी इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्या सोचते हैं ये युवा और किस तरीके से आज के देश की परिस्थितियों के बारे में बात करूंगा। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि विकास तब होगा जब आप धर्म के ऊपर उठोगे। विकास तब होगा जब आप धर्म के ऊपर उठोगे। अभी तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, आप विकास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने रीवा क्षेत्र से शुरू करेंगे। एक भी कोई भी सिंगल अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रीवा के अंदर नहीं है। यदि आप रीवा का विकास कर रहे हो तो रीवा का छात्र बाहर जाके क्यों पढ़ रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। बड़ी बात है, आज का युवा शिक्षा पे बात कर रहा है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अब हम यहाँ देख लीजिए ना, वो मध्य प्रदेश शासन ने कोई स्कूल बनवाया, जो भी स्कूलें थी पीके स्कूल, उसको सीएम राइज कर दिया गया। अगर आपको सीएम राइज ही स्कूल बनवानी है तो अलग से स्कूल बनवाइए, कोई स्कूल बनी हुई है उसको तोड़कर सीएम राइज स्कूल बनाने में कौन सा विकास है? नई चीज़ बनाइए, नया डेवलपमेंट करिए, नई बात करिए। क्या मानते हैं आप, इस समय देश के हालात क्या हैं? सर सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमें युवाओं की बात रखने का मौका दिया। किसी भी राष्ट्र की यदि नींव रखी जाती है वो होती है युवा से। आज यहाँ आज देश का युवा बेरोजगार है, अशिक्षित है, शिक्षा को कोई साधन नहीं है। आर्थिक स्थिति देख लीजिए, चाहे सामाजिक स्थिति देख लीजिए, चाहे राजनीतिक स्थिति देख, बिंद की क्षेत्र की स्थिति देख लीजिए, चाहे पढ़ाई करना हो तो हमको इंदौर, भोपाल, अदर इलाहाबाद यहाँ जाना पड़ता है। इलाज की बात हो तो बिना नागपुर के हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है जिसका निवारण यदि नहीं है तो हमको बाहर जाना, तो कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? जिस तरीके से बातचीत हो रही है आज की, आपकी बातचीत कर रहा हूँ, देश में जो हालात हैं क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि भाई जो युवा रोजगार है, जो युवा को रोजगार देना चाहिए। सबसे बड़ी भूमिका होती है युवा की, देश चलाने के लिए युवा एक एकत्रित हों और उनको रोजगार चाहिए। सरकार से हमारा यही आपसे, सरकार से रोजगार की बात आप कर रहे हैं। सवाल ये होता है रोजगार, अगर रोजगार नहीं मिले, सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं, पिछले 15 से 20 वर्षों में 15 से 20 फीसदी आबादी अपने मध्य प्रदेश की बढ़ी है, उसी के अनुपात में रोजगार के अवसर 2-3% घटे। जो युवा आत्महत्या कर रहा है, रोजगार आप दोगे कहाँ से जब आप हर चीज प्राइवेट करके उसे हर चीज प्राइवेट कर देंगे तो रोजगार की समस्या आपके हिसाब से, आप क्या सोचते हैं? आपसे बात करूंगा, सरकार ने अभी जैसे अग्निवीर को 1,00,000 के 4 साल कर दिए, अब 18 साल में कोई युवा रोजगार पा जाता है और 22 साल में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा युवा, कहाँ जाएगा? अग्निवीर को लेकर भी एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से लगातार मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ सबका ये कह रहा हूँ, रोजगार को लेकर बातचीत होनी चाहिए। राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर क्या, राम मंदिर से किसी युवा बेरोजगार का पेट भरेगा? एक तो किसान जो खेतों पे मेहनत करता है और उनका लड़का जो देश की सीमा में जाता है आर्मी में, उसको भी उन्होंने सिर्फ मात्र 3-4 साल कर दिया है, मतलब 3-4 साल के लिए वो जाए और वहाँ जाके शहीद हो जाए। क्या ये रोजगार का साधन दे रही है सरकार? शहीद हो जाए अग्निवीर को लेकर भी युवाओं के मन में एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से सारी बात आपने सुनी आपका क्या विचार? हमारा ये विचार है कि जिस प्रकार से देश के इस समय हालात हैं, महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, एक सामान्य परिवार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है, छात्र पढ़ने के बाद जा रहा है तो 5,000 की नौकरी कर रहा है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। देश में सिर्फ अपने मन की बात की जा रही है, कोई भी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। जनता की बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर जो भी हालात यही रहे
तो आगे आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले कभी जो पहले बात चल रही थी बेरोजगारी की, उसमें एक मैं बात बता दूँ, युवाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एक सेमेस्टर की फीस 5 से 10 हज़ार रुपये होती है और आप उसी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों को 15 हज़ार का कैंपस लेके आ रहे हो। क्या युवाओं का कीमत सिर्फ 15 हज़ार रुपये रह गए? काफ़ी बातचीत हो रही है, सबका कहना है, जितने भी यूथ से मैंने बात की सबका केवल यही कहना था बात होनी चाहिए रोजगार पर, हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हमारे पेट हमारे परिवार के पास रोजी रोटी का बेहतर इंतजाम होगा तो निश्चित रूप से हम अपना अपने परिवार का बेहतर भविष्य बना सकेंगे। हम लगातार इनसे इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे, युवा जो भी कहेंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।